अगर आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल और अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एस कार्ड को यूज़ करते हैं तो ऐसे में आप अपने एस कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड में एक फोल्डर को ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है लॉस डायरेक्टर एल ओ एस टी डॉट टी आई आर तो ऐसे फोल्डर को आपने ज़रूर देखा होगा तो बेसिकली इसका क्या यूज़ है ये क्यों होता है हमारे एच कार्ड में तो इसी टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो अगर हम बात करें लॉज डॉट डायरेक्ट्री की तो ये एक तरीके का फोल्डर है या फिर कह लें एक सिस्टम फोल्डर है जो कि आपको तमाम एंड्रॉयड मोबाइल के एच डी कार्ड में आपको मिल जाएगा तो इसको ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ पे आपको एच डी कार्ड को ओपन करना है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे तो उसी के बीच में आपको तीसरे या चौथे नंबर में लॉस डेट का फाइल मिलेगा तो ये बेसिकली अगर आप इसको अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं तो अगर आप अपने मोबाइल का स्विच ऑफ़ करते हैं या फिर रिबोट करते हैं या फिर ऑन करके ऑफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके मोबाइल में दोबारा ऑन हो जाएगा यानी कि क्रिएट हो जाएगा तो अगर आप इस फोल्डर को ओपन करते हैं या फिर इस फोल्डर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको किसी तरीके का फ़ाइल नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है एक दो फाइल आपको वहाँ पे मिल जाए तो अब बात करते हैं कि इस फोल्डर का मोबाइल के अंदर यानी कि एच कार्ड के अंदर क्या यूज़ है तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि मान लीजिए अभी मैं इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोडिंग कर रहा हूँ या फिर किसी दूसरे मोबाइल से यानी कि दूसरे डिवाइस से अपने डिवाइस में यानी कि अपने मोबाइल में कोई चीज़ ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर अपने ही मोबाइल की चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ और उसके दौरान अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो ऐसे में वो जो डेटा है वो आधा जो है वो हमारे लॉस डेट फाइल में सेव हो जाता है या फिर आप कंप्यूटर के ज़रिए डेटा केबल की मदद से अगर आप अपने मोबाइल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ऐसे में भी अगर आपका मोबाइल बंद हो जाता है या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऐसे में लॉस डेर का फाइल क्रिएट हो जाता है उसके अंदर वो चीज़ सेव हो जाता है तो ऐसे में आप उस फोल्डर यानी कि लॉस डायरेक्टरी फ़ोल्डर में जा आप उसको रिक्टाट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी दूसरी ऐप्स की मदद मतलब से उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं डॉज डॉट डायरेक्टरी के अंदर कुछ इस तरीके का फाइल डाउनलोड या फिर सेव हो सकता है जैसे कि इंटरप्शन वाइल डाउनलोडिंग यानी कि इंटरनेट से अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और उसी दौरान आपकी वाईफाई बंद हो जाती है या फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ़ हो जाता है तो उसी तरीके का फाइल ये लॉज़ डॉट डी में सेव हो जाता इसके है इसके अलावा अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ़ हो जाता है कॉपी फाइल करते वक्त या फिर कंप्यूटर की मदद से लेते वक्त तो इस तरीके का फोल्डर लॉज डॉट डी में सेव हो जाता है और इसके अलावा अगर आप डाउनलोडिंग के दौरान या फिर कंप्यूटर से कोई चीज़ लेने के दौरान अगर आप अपने मोबाइल से एच कार्ड को निकाल लेते हैं तो उस तरीके का भी फाइल ये लॉस डी आई आर अपने अंदर सेव कर लेता है तो अब बात करते हैं कि अगर हम इसे अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं इस फोल्डर को तो बेसिकली हमारे मोबाइल में क्या असर होगा क्या कोई हमारे मोबाइल में नुकसान होगा या फिर कुछ होगा तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और इससे आपके मोबाइल के फोल्डर में कुछ नुकसान नहीं होगा बेसिकली इसका ये यूज़ है कि ए, अगर आपके मोबाइल आप स्विच ऑफ़ करके ऑन करते हैं और आपके मोबाइल में एक ये परमिशन मांगता है यानी कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो आपसे पूछता है कि आपके उसमें एस डी कार्ड में लॉज डॉट डी आई आर का कोई फोल्डर है अगर नहीं है तो आप उससे कंफर्म करके वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में एक लॉज डॉट डी आई आर का फोल्डर मेरे आपको ये वीडियो पसंद आई होगा वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़